तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग वापस आ चुके हैं ड्रैगन मानिया लेजेंड्स के साथ। तो आज गाइज हम लोग वापस से एक और बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड ओपी ड्रैगन को हैक करने वाले, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसका नाम है बाजियाओ गुई ड्रैगन। मुझे पता बहुत ज्यादा अजीब नाम है इसका, बट मैं इसे बोलूंगा गुई ड्रैगन, ठीक है। ये एक एपिक ड्रैगन है। इसके स्टैट्स के बारे में बात की जाए, इसका अटैक लेवल है 71, जो की बहुत ही बढ़िया है। एक्सट्रीम है भाई साहब, 69 के ऊपर एक्सट्रीम में माना जाता है। और भाई साहब इसका हेल्थ लेवल कम है। हेल्थ लेवल से मैं हर बार बोलता हूँ भाई, जज मत करो किसी ड्रैगन को, अटैक लेवल ही मैटर करता है। तो इसका हेल्थ लेवल है 196। तो अभी गाइस इसे हैक करते हैं हम लोग। ये देखो हमारा बाजियाओ गुई ड्रैगन। यहाँ पे आप किसके एलिमेंट्स देख सकते हो गाइस, इसके पास बहुत ही कमाल के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसके पास मोस्ट ओवर पावर्ड एलिमेंट है शेडो, जिसके डैमेज से सामने वाला ड्रैगन की फट जाती है भाई साहब। और इसके पास है एनर्जी, जो की ट्रिपल ड्रैगन को बहुत अच्छे से ड्रैगन डैमेज करता है। और भाई साहब इसके पास वाटर है, वो भी बढ़िया है भाई, बट वाटर इस पर इसके लिए नहीं बना है, काम नहीं करेगा इसके ऊपर। ये दो एलिमेंट से इसके लिए यूजफुल है एकदम। यहाँ पे आप लोग इसके स्टैट्स देख सकते हो, जो मैंने स्टैट्स बोले हैं। तो चलो यार बिना देरी किए अभी हम लोग इसे फीड करते हैं। बाकी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन होने वाला है, जब हम लोग बैटल करेंगे तब इसका भाई साहब पावर देखना जरा, अटैक लेवल वगैरह। और चलो यार यहाँ पे इसे फीड करते हैं। मैं 27 लेवल का कर दूंगा, क्योंकि ये एक एपिक ड्रैगन है। तो एपिक ड्रैगन को मैं हमेशा ऑलवेज 27 लेवल का करता हूँ, उसके नीचे नहीं करता हूं, और 27 के ऊपर भी नहीं करता हूं। तो चलो यार यहां पे ये देखो हमारा भाई, ये ड्रैगन आपको कमेंट करके बताओ भाई, ये थोड़ा ज्यादा साइज, बड़े साइज का नहीं है एज कंपेयर टू अदर ड्रैगन्स। इसका साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा। बाय द वे गाइस, यहां पे हम लोग ऑटो ट्रेनिंग करवा देते हैं। और यहां पे अब इसका जो अटैक लेवल है वो बूस्ट हो चुका है, हेल्थ लेवल भी बूस्ट हो चुका है। तो हमें तो मतलब बस अटैक लेवल से ही है, वही बूस्ट हो जाए बस, हो गया। और हां एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसका मैं बेस्ट एलिमेंट आप लोगों को बताऊंगा, कौन से मोड के लिए बना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जिससे कि मतलब जिसमें कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, कौन सा स्किल कॉम्बिनेशन इसे देना चाहिए, कौन सा बेटर होगा, सबसे बढ़िया होगा, सब मैं आपको इसी वीडियो में इसके सबसे ओवर पावर्ड स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी के लिए गाइस हम लोग एरिना खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल वाले एरिना में भाई साहब ऐसा ड्रैगन ले रखा है भाई, रेयर भी लेते हैं क्या भाई एरिना में। भाई साहब यहाँ पे इसका अटैक लेवल तो देखो एवरेज भाई साहब, डबल पिंक स्टार कर रखा है एक रेयर को। चलो यार यहाँ पे इसे मारेंगे हम लोग। आई थिंक एनर्जी काम नहीं देगा, क्योंकि तीनों के पास ही नहीं, दो इसके दो ड्रैगन के पास इवेशन है, जिससे कि इनके बचने का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए डैमेज ही नहीं पड़ा, वरना भाई 4-5 बिलियन का डैमेज एक शॉट में लग ही जाता। भाई साहब लाइक ठोको यार, आपने देखा जस्ट अभी अभी क्या हुआ। मैं ना मतलब एक्सेप्टेंस और प्यूरिटी का जो सिगिल कॉम्बिनेशन है, मैंने एक बार चेंज किया था कल या फिर परसों अपने हारपी का चेंज किया था सिगिल कॉम्बिनेशन, मैंने दे दिया उसे एक्सेप्टेंस और प्यूरिटी। मतलब इतना ज़्यादा डैमेज देते ना, अभी जस्ट आपने देखा सामने तीन ड्रैगन थे 70 लेवल के, वो भी डबल पिंक स्टार तीनों, और मेरा हारपी 60 लेवल भी नहीं है। मैंने क्या किया, कोलियाडा से सेल्फ डिवाइन कर लिया मास ब्लेसिंग खुद के ऊपर, और भाई साहब उसने एक फायर मारकर भाई साहब तीनों को मार दिया। और मिडिल वाला पता नहीं कैसे बच गया इवेशन की वजह से, वरना वो भी मरता भाई साहब। हारपी इतना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब सच्चे में बता रहा हूँ, ड्रैगन मानिया लेजेंड ने बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड बना रखा है हारपी को। मैं तो भाई बिगिनर्स के लिए, और बिगिनर्स जो जिन्हें हारपी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो आगे जाके 100 लेवल के भी हो, कितने भी लेवल के हो, वो हारपी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड ड्रैगन है भाई। वैसे मैं भी हारपी यूज़ करता हूँ शुरुआत से, और मेरा पहला एपिक ड्रैगन भी हारपी था। तो चलो यार यहाँ पे सामने इस ये वाला ड्रैगन वैसे बहुत ज़्यादा मुझे खूंखार लगता है, देख पता नहीं क्यों, असल में इतना खूंखार तो है नहीं, वैसे एंशिएंट है भाई, देखो खूंखार तो हो गई। और हाँ अभी आई थिंक इतना हमने जो एरिना खेला है उतना काफ़ी होगा, अभी बिना देरी किए हम लोग बैटल की तरफ चलते। उससे भी पहले मैं सोच रहा हूँ अपने बनाना का जो स्किल कॉम्बिनेशन है उसे चेंज करूँ, क्योंकि विचक्राफ्ट जो मैंने दे रखा है ना, वो सामने वाले को उतना भी डैमेज नहीं दे पा रहा है, बट साइड वाले को बहुत अच्छा दे रहा है। तो मैं अभी के लिए चेंज करना चाहता हूँ डेयर डेविल को, चलो यार अनकॉमन डेयर डेविल में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास 6 अनकॉमन डेयर डेविल है, तो उनको हम लोग फ्यूजन करके रेयर डेयर डेविल में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो यार फ्यूजन करते हैं।
देखो भाई साहब, थ्री थोड़ा सा हेल्थ जाता है। देखो डेयर डेविल का क्या है, आपका ड्रैगन एक सिंगल शॉट मारने में अपना खुद का थोड़ा सा हेल्थ कम करेगा, जिसकी मदद से भाई साहब इतना जोर का डैमेज जाएगा ना भाई साहब, से क्या ही बताऊँ। इसलिए मैंने इसे डेयर डेविल दे रखा है। मैं चेंज करते रहूँगा, कभी विचक्राफ्ट कभी डेयर डेविल। हाँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा सूट करते हैं हार्पी को, मतलब बनाना को, सॉरी। और यहाँ पे यार हम लोग बैटल करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना गुई ड्रैगन। मैं इसका फुल नाम नहीं बोल रहा भाई साहब, इसका नाम तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब है। इतना अजीब सा नाम मैंने ड्रैगन मैंने लेजेंड में नहीं देखा किसी ड्रैगन का है। तो चलो यार, यहाँ पे हमने ले लिया है स्प्रिंग टाइम ड्रैगन। इसे चेंज कर कर हम लोग ले लेंगे ये स्वीटी बनी ड्रैगन हमने ले लिया है, और हमने ले लिया लेपर्ड ड्रैगन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एवरेज डैमेज देखते हैं। सबसे पहला डैमेज ये कितना देगा, चलो शेडो एलिमेंट से मारते हैं। इसका एवरेज डैमेज आप लोग गैस मान सकते हो 10.6 के। मैं 10.5 के इसलिए नहीं बोल रहा भाई साहब, 6 डैमेज का क्या फ़र्क है भाई। तो भाई 10.6 के इसका एवरेज डैमेज है, ठीक है। और 6 डैमेज होता तो भाई 10.6 के हो जाता, वरना ये 10.5 के है। तो यहाँ पे एक सेकंड वाटर एलिमेंट से डैमेज देते हैं भाई साहब। यहाँ पे आपने देखा, इसका ये हाईएस्ट डैमेज है। एक्चुअली मैं बोल देता हूँ, आगे जाके देख लेना, जितना भी हम लोग सामने वाले को डैमेज देंगे ये इसका हाईएस्ट डैमेज है 10.7 के। मतलब इतना डैमेज कौन देता है रे भैया, इतना डैमेज भाई, ओवर पावर, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। चलो इसका बेस्ट एलिमेंट की बात की जाए यार, तो हाईएस्ट डैमेज और मैंने इसका एवरेज डैमेज आपको बोल दिया। हाईएस्ट डैमेज है 10.7 के, और 10 और 10 एक्स्ट्रा होता तो 10.8 के होता, और भाई साहब और 6 एक्स्ट्रा होता है एवरेज डैमेज में, वो 10.6 के होता, बट आप उसे 10.6 के मान सकते हो। यहाँ पे हाईएस्ट डैमेज मतलब जिसके ऊपर एलिमेंट भारी पड़ रहा है उसका कितना डैमेज है। यहाँ पे आपने देखा भाई, 11.5 के का डैमेज दिया इसने। आई थिंक एक सेकेंड इसे मारने देते हैं भाई साहब, क्या डैमेज दिया भाई साहब। आई थिंक वो उसने 15 के का दिया था भाई, मैं 10 के क्यों बोल रहा हूँ। तो भाई उसने 15.5 के का डैमेज दिया था, तो 15.6 के ही मान लो भाई साहब, क्या डैमेज देता है। इसका बेस्ट सिगिल बेस्ट एलिमेंट आप लोगों को बोल देता हूँ, इसका बेस्ट एलिमेंट है शेडो। तो शेडो इस ड्रैगन के लिए परफेक्ट एलिमेंट है। सेकंड नंबर पर मैं रखूँगा एनर्जी, भले ही वो तीनों ड्रैगन्स को डैमेज करता है, बट उसका डैमेज लेवल शेडो से थोड़ा सा कम है। तो शेडो जितना डैमेज करता है ना, इसकी वजह से मैं शेडो को टॉप 1 रख रहा हूँ। और वाटर है थर्ड। तो इसका बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन की बात की जाए यार, आप लोग इस पर यूज़ कर सकते हो विचक्राफ्ट। मैं विचक्राफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये एनर्जी मारेगा साइड वाले को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। और आप लोगों को यूज़ करना है क्रुएल्टी, क्रुएल्टी और विचक्राफ्ट कॉम्बिनेशन से इसे सबसे ज़्यादा सूट करेगा। या फिर आप लोगों को विचक्राफ्ट नहीं पसंद है, क्रुएल्टी के साथ आप लोग डेयर डेविल भी दे सकते हो एकदम इसका जो। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जो मैंने सिगिल कॉम्बिनेशन बताया, क्रुएल्टी प्लस डेयर डेविल या फिर विचक्राफ्ट, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। बाकी एरिना के लिए बनाए, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना जरूर से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना दोस्तों। ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ इसी चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।